इस गद्दारी का इजहार इन सत्तर मुसलमानों के शहादत से हुआ जो अल्लाह की दावत के लिए निकले थे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकोपी का सरकोबी का इरादा कर लिया हज़रत ने अबू जर गफ़ारी रील् को मदीना का आमिल और ज़िम्मेदार बनाकर बनू सालब की तरफ कबाइल थे इसका रुख किया और नजद में बनुतफान के इलाक़े में एक जगह जिसका नाम नख़लता पड़ाव डाला आ सरतम वहाँ अपने साथियों के साथ तशरीफ़ फरमा थे लेकिन अल्लाह ने इन कबाइल के दिलों में रोब डाल दिया मुसलमानों के वहाँ पहुँचने से ही वो पहले से मुंतशिर हो गए और जंग की नौबत नहीं आई इसके बावजूद इस ग़बे के बहुत सारे ऐसे वाक़ात हैं जो काबिल नसीहत बाबरत जिसके अंदर हदायत और बहुत सारी रहनुमाई है हतमूसा अशरीफ़ फ़रमाते हैं कि रसोल सल्ह वसम के हथ हम इस ग़बे में निकले हम छः अफराद थे और हमारे दरमियान एक ऊँट था जिस पर बारी बारी हम सवार होते थे, थे चलते चलते हम लो, सब लोगों के पैर ज़ख़मी हो गए मेरे पैरों में इतने जख्म आए कि नाखून गिर गए जिस वजह से हमने पैरों पर पटियाँ बांध लीं इसलिए इस ग़वे का नाम गजवा तातुलरिका रिका कहते हैं पटियाँ हदब मूसा फरमाते हैं कि फिर ये बात इर्शाद फरमाने के बाद हदब मूसा नादिम हुए इनके शिक्रत कहते हैं कि वमूसा ये रिवायत की ये बात बतलाई और फिर शर्मिंदा हुए कि शर्मिंदगी की वजह ये थी कि उन्होंने अपने नेकी का इजहार क्यों कर दिया इस अमल खैर को इसका इफ् क्यों कर दिया इस पर नादिम हुए इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने एक रवायत नकल की है कि रसूल सल्हल् ने जात और गजबुलर में सलातुल्खफ पढ़ाई आप सलातलाम ने फ़ौज को दो ग्रोहों में तकसीम किया एक ग्रह आपके साथ सफ बस्ता हुई और दूसरी जमात दुश्मन के मुकाबले में खड़ी रही अब उसने एक रकात पढ़ी फिर आप सलात वसलाम खड़े रहे और वो दुश्मन के मुकाबले में चली गई और पहली वाली जमात जो दुश्मन के मुकाबले में थी वो आई और उसने रसोल सल्ला वम के साथ अपनी नमाज़ पूरी की तो इस तरीक़े से आपलाम ने एक रकात पढ़ाई और पहली जमात ने एक रकात ख़ुद पढ़ के नमाज़ मुकम्मल करके दुश्मन के मुकाबले में चले गए फिर आपने दूसरी रकात दूसरी जमात को कराई और उसने फिर अपनी एक रकात अकेले में पूरी करके तो यूँ सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने नमाज खौफ़ की इमामत फ़रमाई जाबिर फ़रमाते हैं कि ग़ज़वाज़ात और निका से वापसी में इन्हें रसोल्ह सल्ल्य वल्लम की रिफ़ाकत हासिल थी रास्ते में एक वादी में जिसमें बेबोल के बहुत से दरख्त दोपहर हो गई आपने पड़ाव डाला सहाबा इधर उदरख्तों के सये में चले गए आराम करने के लिए आपलात सलाम ने बेबोल के दरख्त पर अपनी तलवार लटका कर आप भी आराम फरमाने लगे हर जाबिर फरमाते हैं कि हम नींद आ गई अचानक हमने सुना कि रसूल सल्ला वल् हमें आवाज़ दे रहे हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए देखा वहाँ एक बद्दू बैठा हुआ था पहले रसूल सल्ला वसम ने फरमाया कि मैं सो रहा था ये शख्स यहाँ आया और इसने मेरी तलवार उतार कर सूत ली न्याम से निकाल कर मेरे ऊपर तलवार निकाल ली और इसी दरमियान मेरी आँख खुल गई और उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा दुश्मन था कतल के दर पे हुआ तलवार ने आम से निकाल कर आ पर ये तो सलाम से कहने लगा कि आपको अब मुझसे अब कौन बचाएगा तो प्यारे रसूल वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जवाब दिया अल्लाह ये सुन पर उस पर ऐसी हैबत तारी हो गई कि वो शख्स जो सामने बैठा हुआ है ये है वो शख़्स आप अरे सलातम ने उसे कोई सज़ा नहीं दी है जाबिर फ़रमाते हैं कि हम रसोल सल्ला का गजवा ज़ातलरक़ा में निकले इस ग़बे में एक मशरक़ औरत मारी गई उस वक्त उसका शोर कहीं गया हुआ था जब रसोल सज़बे से वापस हुए और दूसरी तरफ उस औरत का शोर अपने घर पहुँचा तो उसे मालूम हुआ कि इसकी बीवी को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया तो उसने कसम खाई कि मैं उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक थे जब तक के सल्लल्लाहु सल्ला वसम के साथियों में से किसी एक का ख़ून न कर लो उसने आपलात वम और आपके साथियों का पीछा किया आप ने एक जगह पड़ाव डाला तो आपने फरमा आज रात कौन पहरा देगा एक मुहाजिर, एक अंसारी साहबी ने अपनी पहरे के लिए पेश करी आपलम और आपके अब एक वादी के घाटी में पहुंच चुके थे आपने इन दोनों से फ़रमाया कि वो घाटी के नाके पर पहरा दो चाहे जो भी आने लगे तो तुम्हारी नज़र उस पर पड़े दोनों साहबी घाटी के नाके पे पहुंच गए दोनों ने आपस में तय किया कि रात को दो हिस्सों में तकसीम करके हर एक हिस्सा इनमें से एक आराम करे और दूसरा पहरा दे अंसारी ने महाजिर से पूछा कि तुम रात के किस हिस्से में आराम करोगे इब्तदाई हिस्से में या आखिरी हिस्से में महाजिर ने इब्तदाई हिस्से के बारे में अपनी रज़ामंदी दी वो लेट कर सो गया और अंसारी साबित पहरा देने लगे इन्होंने नमाज की नीयत कर ली और वो शख्स जिसकी बीवी मारी गई थी वहाँ पहुँचा और उसने दूर से इस शख़्स को घाटी के नाके पर खड़ा देखा जो अंसारी पहरा दे रहा था रात के पहले हिस्से में और नमाज में खड़ा हो गया तो समझ गया कि यही शख्स पहरा दे रहा उसने निशाना लगाकर तीर मारा जो अंसारी के बदन में पेवस्त हो गया अंसारी ने तीर निकाल कर फेंक दिया और नमाज पढ़ता रहा उस शख़्स ने दूसरा तीर मारा वो भी निशाने पे लगा अंसारी ने उसे भी निकाल कर फेंक दिया नमाज जारी रखी उस शख़्स ने तीसरे तीर मारा और वो अंसारी के बदन में आ घुसा उसने उसे भी निकाल दिया फिर रुकू किया सजदा किया नमाज़ पूरी की फिर अपने साथी को जगा कर का उठो मैं हल्कान खो गया हूँ महाजर फ़ौर उठ बैठा और जब उसने तीर अंदाज ने वहाँ दूसरे आदमी को देखा तो वो समझा कि लश्कर को इतला हो गई है वो तो फ़ौर वहाँ से भाग खड़ा हुआ महाजर ने अंसारी को ख़ून में लत पत देखा तो कहासुब अल्लाह मुझे उस वक़्त क्यों नहीं जगाया जब तुम्हें पहला तीर लगा था अंसारी ने जवाब दिया मैं एक तवील सूरत नमाज में पढ़ रहा था और मुझे इसे अधूरा छोड़ना अच्छा न लगा लेकिन जब एक के बाद एक तीर आने लगे तो मैं रुकू कर लिया फिर नमाज़ पूरी करके तुम्हें ख़बर की कि अल्लाह की कसम अगर मुझे इस बात का अंदेशा न होता कि रसूल अल्ला वम ने जो ज़िम्मेदारी डाली है हिफाजत की इसमें कोताही हो जाएगी अगर ये अंदेशा ना होता तो मैं नमाज़ को मुख्तसर ना करता खा मेरी जान भी चली जाती हाँ जाबिर फ़रमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं इस गज़वा रातुल रिका में जो मुख्तलिफ वाक़ पेश आए जो अदीस में है, वो ज़िक्र कर रहा हूँ जंग तो नहीं हुई लेकिन ये सारे वाक़ पेश आए हाँ जाबिर फरमान लगे कि मैं रसोल्ला सल्लम के हाथ गज़ा झ़ा रक़ाम निकला मेरे पास एक लागर ऊँट था जब रसोल्ला सल्लम गज़वे से वापस हुए तो मेरे साथी इनके पास अच्छी सवारियाँ थी मुझसे आगे निकल गए और मुझे पीछे मैं पीछे ही रहता चला गया आप ये सलात वसलाम मेरे पास पहुँच कर दरअसत फरमान लगे जाबिर क्या हाल है क्या बात है मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल अपनी इस ऊँट की वजह से मैं पीछे रह गया हूँ फरमाया बिठाओ मैंने उसे बिठाया आप ने अपनी ऊँटनी भी बिठा दी फिर फरमाया तुम्हारे हाथ में जो असा है ना ये मुझे दो मैंने आपलम को असा थमा दिया उसे उस लेकर आपने कई मरतबा इस ऊँटने के बदन में मेरी सवारी के बदन में इसे चुभोया कई मरतबा फिर फरमाया अब सवार हो मैं सवार हो गया उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ दे के भेजा है अब मेरा ऊँट तेज़ रफ़्तारी में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटने के बराबर था उसके अंदर रफ़्तार आ गई ताकत आ गई प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे गुफ्तगू करने लगे और फरमाया जाबिर अपना ये ऊँट मुझे बेचो मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मैं इसे आपको हदिया करता हूँ हिबा करता हूँ फरमाया नहीं मैं ख़रीदूँगा मैंने अर्ज़ी अल्लाह के, के रसूल फिर आपकी आप ही की, कीमत लगाइए आपने फरमाया एक दरम में ले लूँगा हाँ जामिर फरमाने लगे मैंने कहा नहीं यार रसूल अल्लाह एक दरम तो नहीं एक दरम में तो मेरा घाटा है फरमाया दो दरम ले लो मैंने फिर इनकार कर दिया इस तरह आप कीमत बढ़ाते रहे यहाँ तक कि एक ओकिया लगा दी मैंने अर्ज किया अल्लाह के, के रसूल ठीक है ले लीजिए फरमाया ठीक है मैं ले लिया फिर आप सलाम ने निशात फरमाया जाबिर क्या तुम्हारी शादी हो गई मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल शादी हो गई फरमाया कुवारी सी हुई है या किसी बेवा सी हुई है अर्ज़ किया कुवारी से नहीं बल्कि बेवा सी हुई है फरमाया किसी ना से शादी क्यों नहीं की उसे उसके साथ खेलते तुम तो। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मेरे बाप गजबा उहद में शहीद हो गए थे और उन्हें अपने पीछे सात लड़कियाँ छोड़ी थी सात बहनें। इसलिए मैंने चाहा कि एक ऐसी औरत से शादी करूँ जो उन्हें संभाल के और उनकी तरबियत उनका ख़्याल रख सके और उनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर सके फिर मैं बहुत अच्छा किया इन शाला इसमें खैर होगी फिर आप सला तो व फ़रमाया कि हम सरार पहुँचेंगे एक जगह का नाम है वहाँ पहुँचेंगे वहाँ ऊँट जबा करेंगे और दिन भर वहीं ठहरेंगे और तुम्हारी बीवी को हम लोगों के वापस आने की खबर होगी हम वहाँ इसलिए ठहरेंगे ताकि घर वाली औरतों को जब अपने शोरों के आने की खबर हो तो वो तैयारी कर सकें अपने शोहर का इंतज़ार करें तुम्हारे लिए गाव तकिए झाड़ पूछ करेंगी सफाई करेंगी घर की गाव तकियों का इंतज़ाम करेंगी मैंने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह कसम है मेरे पास तो गौ तकी है ही नहीं फरमाया वो भी हो जाएंगे जब घर पहुंचने पहुंचा मैं घर पहुंचा हर हाँ जाबिर फरमाते हैं जब हम इस सरार पहुंचे तो आप सलात वसलाम के हुक्म से ऊँट जब किए गए पूरा दिन हम वहीं ठहरे यानी आप देखें अल्लाह के नबी अपने साथियों से कैसे बेतकल्लुफ़ी और कैसी उनसीयत की गुफ्तु फरमा रहे हैं जब शाम हो गई तो आप सलात वाम के नाम मदीना में दाखिल हुई हाँ जाबिर फरमाते हैं अगले दिन सुबह मैं ऊँट लेकर आप की ख़मत में हाजिर हूँ इसलिए कि सौदा हो गया था ऊँट को मैंने आपके घर के दरवाज़े पर बैठा दिया ख़ुद करीब मस्जिद में जाकर बैठ गया आप निकले ऊँट पर नज़र पड़ी फरमाए ये क्या वहाँ मौजूद लोगों ने इस ऊँट के बारे में फरमाया कि जाबिर लेके आए फरमाया कहाँ है जाबिर मुझे बुलाया गया और आप ने मुझसे फरमाया भतीजे अपना ऊँट ले जाओ और हज़रत बिलाल को बुलाकर फरमाया कि जाबिर को एक ओकिया भी दे दो ऊँट भी ले जाओ सवारी भी ले जाओ एक ओकिया भी ले जाओ कीमत भी दे दी ऊँट भी मेरे पास मैं बिलाल के साथ गया इन्होंने मुझे एक ओकिया बल्कि इससे कुछ ज़्यादा दिया अल्लाह की कसम इस माल में बराबर इजाफ़ा होता रहा तो ये इसके अंदर इस वाक़ में इन वाक़ में जो इस में पेश हुई है बहुत सारी इसमें नसीहतें हैं पहली बात तो यही है कि इस ग़वे को वजह तस्मीया सामने आ गई कि साहब रिजवानल अली अजमाइन ने इस ग़बे के अंदर बड़ी तकलीफ़ें उठाई थी और इससे वाजह होता है कि सहाबा रजवानल अजमाइन अपने रब का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने में और इसकी राह में जिहाद करने में कितनी तकलीफ़ें उठाई वो लोग गुरबत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे इनके पास गज़बात में शरीक होने और जिहाद करने के लिए सवारी तक भी नहीं थी तवील और मुशक्कत मुसाफत तय करते छः छः आदमी एक सवारी पर दूसरे सवार होते इसके बावजूद दावत जहाद फ़ी सबी कोई चीज़ इनके रास्ते में ये मुशक्क़त ये तकलीफ़ ये कसम पुरसी कोई चीज़ रुकावट ना बनी इन्होंने इसराह में तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त की और हर किस्म के आजमैशी झीली, दुशवार गुजार कांटों पर राहों पर जख़म उठाए पत्थरों चटानों से पैर टकराए नाखून गिरे सब तकलीफ़ें उठाई पटियाँ बांधी इसके बावजूद उन्होंने कमज़ोरी आज ही नहीं दिखाई इस्लाम में दाखिल होने के बाद इनके कांधों पर अल्लाह ने जो अज़ीम जिम्मेदारी डाली थी अंजाम अंजामदेही के राह में इन्होंने हर तरह की तकलीफ़ और परेशानी को हेज समझा और इस जाति बारी का जो इर्शाद है इसकी सही तर्जुमानी हुई इन अशतमीनफहम बिनलतिलफी सब्फ़लू वय तलून हकीकत यह कि अल्लाह ने ईमान वालों से उनके नफ्स इनके माल जन्नत के बदले में ख़रीद लिए और वह अल्लाह के राह में लड़ते मारते और मरते हैं अब अबो मुसाशरी को इस पर निदामत हुई जब लोगों ने इस गजवा के बारे में पूछा तो इन्हें निदामत हुई शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने इसका अजर तो अल्लाह से लेना था लोगों के सामने इस अमल का तस्करा क्यों कर दिया इससे वाजह होता है कि मुसलमान के लिए बेहतर यही है क्यों अपने नेक अल्लाह के राह में पहुँचने वाली मशक्क़तों को मखफी रखे और इनमें से किसी चीज़ का इज़हार न करे हाँ अल्लाह ये कोई मसलियत हो दूसरों को तरगीब देनी हो और दूसरों के लिए शौक़ दिलाना हो वरना अपनी नेकी और अल्लाह के राह में ये मशक्क़तें तकालीफ को बस पर्दा रखनी चाहिए मखफी रखनी चाहिए फिर खौफ जो इस वाक़े के अंदर पेश आई कि हजूर आलतम ने इस तरीक़े से नमाज़ पढ़ाई और ये उसी वक़्त है जब एक इमामत की इब्ता इसलिए कि हर एक ये शदत चाहता था कि हुज़ूर हजूर आललात वसलाम की इब्तः में नमाज़ पढ़ी जाए तो आप अली आपलम ने उस पूरी जमात को दो हिस्सों में तकसीम करके दोनों को नमाज पढ़ाई और उनको जमात का सवाब भी मिला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा भी मिली फिर इस वाक़े में इस गजवे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के तरफ़ से हिफाजत का ख़ुसूसी इंतज़ाम के वो मुशरक़ आया उसने तलवार उठाई आप एक दरख्त के नीचे आराम फ़रमाए थे फरमा रहे थे तो अल्लाह रब्ल्ज़त ने आपकी आँख खोल दी आप बेदार हो गए हालाँकि आप आराम फरमा रहे थे तो ये अल्लाह ने आपकी हिफाज़त फ़रमाई वल्लाहु यासिमुका का नास, हम आपकी हिफाज़त करेंगे ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी कौम की तरफ से कोई तकलीफ़ ही नहीं पहुँचेगी इसलिए कि यह तो बंदों के मामले में अल्लाह की सुन्नत है तकलीफ़ आएंगी बल्कि इससे मुराद यही कोई हाथ आपको कत्ल करने के इरादे से ना उठ सकेगा इसलिए इस सूरत में इस्लामी दावत का काम रुक जाएगा जिसके लिए अल्लाह ने आपकी बेसत फरमाई थी तो वल्लाहु यासिमु का मिनानन्नाज़ यूँ जो आप के शख्स कत्ल के दरपे था वो यूँ नामुराद हुआ हर जाबिर रजी अल्लाह तुका वाक़ मदीना के वापसी के रास्ते में इनके और सल्लल्लाहु अलैहि वम के दरमियान होने वाली गुफ्तु हालांकि इस गजबे से कोई ताल्लुक नहीं है इसलिए कि इस चीज़ की मुकम्मल और दकीक तस्वीर थी कि रसोल्ला सल्ला वसम् अपने साथी के साथ सहाबा के साथ कैसा शफ़कत का और प्यार का और उनत का बर्ताव किया करते आपकी माशरत कितनी लतीफ़ आपकी गुफ्तु कितनी हल्की फुल्की और आपकी बात कितनी दिल आवेज़ थी अजिर हाँ इस वाक़े में जिसका भी तस्करा गुजरा इससे मालूम हुआ कि नबी आल सलाम इन अज़मैशी हालात में देखा कि हाँ जाबिर इन आजमशी हालात में दिल गिरफ्तार थे जिससे हज़रत जाबिर इबन अब्दुल्ला का घर दो चार था आप भी इसकी वजह से दिल गिरफ्तार थे जाबिर के हालात सुनकर इसलिए कि इनके वालद ग़ब अहद में शहीद हो गए थे बहुत सारी औलाद छोड़ी थी कफालत की सारी ज़िम्मेदारी जा, जाबिर के सपुर्द थी और दुनियावी ऐश आराम भी इन्हें मैसर नहीं था तो रसोल सज़बे में महसूस किया कि जाबिर लश्कर से पीछे रह जाने का सब यह है कि इनके पास एक ही ऊँट है और वो भी बहुत लागर है जिससे इनकी गुरबत और परेशानी का इज़हार होता है तो आपने इस मौक़े को गनीमत जाना और काफ़िले के पीछे होकर उनसे जाके मिले और उनसे खुशतबी की बातें उनसीयत की बातें मोहब्बत की बातें उनसे की सलाम की आदत शरीफ़ा थी जब अपने अहाब के साथ कहीं जाते थे तो वक्तन फ़वक्तन इनमें से हर एक के अहवाल का जायजा लेते थे और उनसे उनस और मोहब्बत की बातें फरमाया करते थे मदूर आल सलाम ने जाविर से इनका ऊँट ख़रीदने की पेशकश की इस तरह आप इनका इकराम और इनकी मौजूदा हालत को सुधारने के लिए कुछ ताउन करना चाहते थे फिर आपने दिल अवेज़ शरीय उसलूब में इनके बीवी घर के बारे में दरियाफ़त कियामान दिला दिया कि जब वो मदीना के करीब पहुँचेंगे तो चंद घंटे शहर के बाहर ठहरेंगे ताकि अहिल मदीना को इनकी वापसी की ख़बर हो जाए इनकी बीवियाँ इनके घर वाले बनाओ व संगार का इंतज़ाम कर लें घर को ठीक ठाक कर लें गौ तकिया लगा लें हर जाबिर ने इसी इसलूब में जवाब दिया अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल मेरे पास तो गौ तकिया है नहीं आप फरमाते हैं वो भी हो जाएंगे इसलिए कि आपके जहन में था कि मैं इसे ओकिया कुछ दराहम हिबा करूँगा तो फरमाए इसका भी इंतज़ाम हो जाएगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लतीफ़ माशरत ये मानूस गुफ्तु और अपने साथियों के साथ ऐसी मिठास भरी खुशतबी की बातें अगरचे हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्ह् वजालसवा असवार में हमें शिरकत न का मौक़ा नहीं मिला लेकिन आप की सरत से आपकी ज़िंदगी की ख़ूबसूरत तस्वीर सामने आ रही ख़ूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है क्या आप सलाम अपने साथियों के साथ कैसे दिलजोई का मामला करते थे उनकी हिम्मत बढ़ाते थे उन्हें हौसला देते थे ताउन की कैसी कैसी शक्लें इख्तियार करते थे इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इस गज्बे में एक और चीज़ मिलती है कि एहसास ज़िम्मेदारी आपके साथियों को किस कदर थी अल्लाह के नबी सल्ला वम्म ने जब उन दो साथियों को नाके पे मुकर किया हिफाज़त के लिए और उन्होंने अपने अपने आपस के मशवरे से रात के दोनों हिस्से तकसीम कर दिए और फिर उनमें से एक नमाज़ के लिए खड़ा हो गया जहर अल्लाह के रास्ते में जिहाद और ये जिहाद एक ऐसा अमल है कि इसमें मुसलमान अपना पूरा वजूद अपने खाले के सामने पेश कर देता है अपने खालिक और मालिक के सामने पेश कर देता है और ये अल्लाह के कुर्ब के बहुत आला दर्जे पे फायज होता है तो इन्होंने मौका जाना कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर अल्लाह से मुनाजा की जाए और एक नमाज़ में खड़ा हो गया और इबादत में ऐसा मसरूफ़ हुआ ऐसा मज़ा आया कि तीर पे तीर लग रहे हैं खून बह रहा है ज़ख़मी है लेकिन उन मुनाजा की लजत ले रहे उसका मज़ा ले रहे और अगर वो नमाज रुकू किया और सजदा किया तो जवाब यही मिला ये सिर्फ़ इसलिए कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िम्मेदारी डाली थी कहीं उसमें कोताही तो ना हो जाए तो देखिए ना एहसास ज़िम्मेदारी कैसी है कैसी एहसास ज़िम्मेदारी है तो इस सहाबी के कौल पर हम गौर करें कि अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना होता कि रसूल सल्ला वसम ने जिस नाक़े की हफाज़त करने का मुझे हकम दिया है इसकी हिफाजत में मुझसे कोताही हो जाएगी तो मैं नमाज़ मुख्तसर न करता खा मेरी नम... जान चली जाती ये है इस जिहाद का मिजाज जिसमें मसरूफ़ रहने वालों के लिए अल्लाह ततः और कामरानी की ज़मानत देते ख़ा इनके ख़िलाफ़ हमला आमर होने वाली ताकत कितनी ही ज़ोरदार और ताकतवर क्यों ना हो तो अल्लाह रबुल्ज़त हमें इन हदरात के इनरा पैरवी नसीब फरमाए और इन हजरा की सही मोहब्बत और सही इतवा नसीब फरमा दे बनी मुस्तलक़ ये एक गजबा है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि बनो मुस्तलक हारिस बिन ज़रार के सरबराई में जंग की तैयारी कर रहे हैं तो इन सुनकर इनके सरकोबी के लिए अपने साथियों के साथ निकले यहाँ तक के एक रास्ते में एक चश्मा आया वहाँ पहुँचे और दोनों फ़ौजों के दरमियान मुकाबला हुआ अल्लाह ने मुस्तलिक को शिकस्त दी और इनके मतद लोग लोग मारे गए आप सलात वसलाम ने माली गरीमत के पाँच हिस्से करके चार हिस्से फ़ौज में तकसीम फ़रमाए और आपने शाहवारों को पैदल फ़ौज के मुकाबले में दुगना अता फरमाया इस गए में मुसलमानों के साथ मुनाफिकीन की एक बड़ी तादाद भी शरीक थी जो गुज़त गजावत में अक्सर पीछे रह जाते थे इसलिए कि उन्होंने जब देखा कि मुसलमान हमेशा फ़तह और कामरामनी से हम अमकिनार होते हैं तो इसलिए वो भी माल गनीमत की लालच में फ़ौज में शामिल हो गए इस गजवे में आने वाली औरतों को जब रसूल सल्ला वसल्लम ने फ़ौज में तकसीम किया तो बाहबा ने आप हरी सलातम से अज़ल के बारे में दरियाफ़त किया आपने जवाब दिया ऐसा करने में कोई हरज नहीं है क़्यामत तक जिस रूह को भी इस दुनिया में आना है आ आकर रहेगी अज़ल कर सकते हैं अपनी औरतों से अब ये मौका था उमर अबिन ख़ाब का एक ाम और सनान सनान बिन वब्र इन दोनों के दरमियान कुछ सख्त गुफ्तु हो गई इस वक्त वहाँ मुसलमानों की एक जमीयत एक मजमा मौजूद था तो नबी वसलाम भी वहाँ ठहरे हुए थे क़रीब था कि बात बढ़ जाए तो उसमें से उस ग़ुलाम ने मदद के लिए अलफा आवाज़ लगाई और अनसार को पुकारा और कहने लगा एक ग्रोह है अंसार और दूसरे शख़्स ने कहा है गुरो है महाजरीन उसने अंसार को आवाज़ दी इसने महाजरीन को आवाज़ दी लेकिन चंद लोगों ने बीच में पढ़ के मामला रफा दफ़ा कर दिया अब्दुल्ल अबिन भाई जो मुआफ़ों का कसरदार था उसे ख़बर हुई बहुत गु़स्सा हुआ और इस वक्त जो लोग इसके पास से इनसे कहने लगे क्या आप लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि लोग हमारे वतन में हमसे बराबरी करते हैं इसने जलती पे तेल डाला नफ़रत की आग भड़कई मुनाफे का काम यही होता है और उसने एक मिसाल बयान की कहने लगा इसकी मिसाल यूं है इन लोगों की कि जब कोई अपने कुत्ते को खिला पिला कर मोटा कर दे वो तुम ही वो काटने को दौड़ेगा ऐसी गुस्ताखी की इस मुनाफिक ने अल्लाह की कसम जब हम मदीना वापस होंगे तो वहाँ कि अशराफ जलील लोगों को निकाल कर बाहर कर देंगे ये बोल थे अब्दुल्ल अबन उबई मुनाफिक के इसके ये बात हज जैद अरकम ने सुन ली और उन्होंने रसूल वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर आपको इसकी ख़बर दी इस वक्त आपकी मजलिस में उमर भी मौजूद थे उन्होंने कहा के रसूल और बाद इबन को हकम दीजिए कि जाकर इनके गर्दन उड़ा दें आप अरे सलाबन फरमाया उमर क्या तुम पसंद करोगे के लोगों में ये चर्चा हो जाए आवाज़ आ जाए कि मोहम्मद अपने साथियों कत्ल कर देते इसलिए कि मुनाफिक थे लेकिन रहते तो मुसलमानों के दरमियान थे मैं ऐसा नहीं करूँगा अलबत् लश्कर कूच का हुक्म दो चलो यहाँ से रवाना हो जाओ ये ऐसा वक्त था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके इस वक्त सफ़र नहीं फरमाया करते थे आपके हुक्म पे लश्कर रवाना हो गया और पूरा दिन मुसलसल चलते रहे यहाँ तक कि शाम हो गई रात भर सफ़र जारी रखा यहाँ तक कि सुबह हो गई सुबह सफ़र जारी रहा यहाँ तक कि दिन चढ़ गया इस वक्त आपने क़याम फरमाया लोग इस कदर थक चुके थे कि ज़मीन पर इनकी पीठ लगती है नींद आ गई आप वसलाम ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को इस बात इस सिलसिले में तबसरा करने का तबादला करने का मौका ही ना मिले जो अब्दुल्लाबई ने आग भड़काई थी ताकि वो आग ठंडी हो जाए फुर्सत ही न मिले लंबा सफ़र किया थकावट हो गई जैसी पड़ाव डाला नींद आ गई सूर्य मुनाफिकून नाजिल हुई हद जैदी अपने अरकम की इतला की तस्दीक हो गई जो जुम्मन अब्दुल्लाबई के बारे में रसोल सल वसम तक पहुँचाई थी अल्लाह का इरशाद मदीना लयरिजन अलादल वलिल्लाज़्ज़त वल रसूलही वलमिन वलकिननाफ़िन ये कहते हैं हम मदीना वापस पहुँचेंगे तो जो इज़्ज़त वाला है वज़ी जलील को वहाँ से निकाल कर बाहर करेगा हालाँकि तो अल्लाह और अल्ला रसूल और ईमान की है मगर ये मुनाफिक लोग नहीं जानते जब लश्कर मदीना वापस आ गया तो अब्दुल्लिन के साहबजादे जो मुखलिस मुसलमान थे हत अब्दुल्ला रसूल सल्ला वसलम की खिदमत में हाज़िर हुई अर्ज़ किए यार रसूल्ला मुझे मालूम है कि मेरे बाप ने जो बात आप तक पहुँची है इस बिना पर आप उसे कत्ल करने वाले हैं अगर वापी वाकई आपका यही इरादा है तो मुझे हुक्म दें मैं उसका सर काट के लाता हूँ बेटा बाप का सर काट के लेके आएगा ये बेटा कह रहा है अल्लाह के नबी अगर आप हुक्म दें तो अल्लाह अल्ला कसम पूरे कबीला खजरत को मालूम है कि मुझसे ज़्यादा अपने बाप का फर्माबर्दार कोई नहीं लेकिन उसकी गुस्ताखी उसकी ये बेदबी और आपका हुक्म हो तो मैं उसका सर लेके आऊँगा इस्लाम का रिश्ता हर रिश्ते से बालातर हो गया ईमान इस्लाम का ताल्लुक़ और रिश्ता हर नसबी रिश्ते से ज़्यादा ताकतवर हो गया कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को इसे कत्ल करने का हुक्म दें और मैं अपने बाप के कातिल को घूमता फिरता न देख सकूं और गैरत और मोहब्बत के जोश में आकर उसे कत्ल कर दूं इस तरह एक काफ़िर के बदले एक मोमिन को कत्ल करना का कसूर और जहन्नम का मैं मुस्तक ठहरूं इसलिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये खिदमत मेरे सपोर्ट करें रसोल्ला सल्ला वम ने फरमाया नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे बल्कि जब तक वह हमारे दरमियान में है हम उससे नरमी करेंगे और अच्छा सलूक करेंगे इस वाक़े के बाद जब अब्दुल्लबिन भाई कोई बात कहता तो ख़ुद कबीले वाले इसे मलामत करते और सख्त सुस्त कहते कि अल्लाह के नबी के ये अखलाक और ये सलूक और तुम्हारा रवैया ये तो अपनी कौम और कबीरे के लोग उसे सुस्त कहते मलामत करते इस पर रसूल सल्हलम नेमर अबिन ख़ाब से फरमाया उमर तुम्हारा क्या ख्याल है अगर मैंने उस दिन इसे कत्ल करा दिया होता जिस दिन तुमने मुझे मशवरा दिया तो इसकी हमायती तूफ़ान खड़ा कर देते लेकिन अगर आज इस कबीले को इसे कत्ल करने का हुक्म दूँ तो वह फ़ौर इसकी तामील करेंगे तो उमर ने फरमाएल्ला की कसम मुझ पर वाजे हो गया कि इसके बारे में रसूल सल्ला वसम का फ़ैसला मेरी राय से ज़्यादा बाबरकत था इसी गज्वे के लौटते हुए एक बड़ा वाक़ा और बड़ा दिल खराश और बड़ा तकलीफ़ दह अहली ईमान के लिए एक वाक़ पेश आया और ये वाक़ था इफ़ के नाम से मशहूर है इस पर कुरान की पूरी सूरत है सुर नूर कई सारी आयतें इसके मतलक नाजिल हुई आयशा है फ़रमाती हैं वो वाक़ पेश आया कि इस गज़बे में रसूल सल्ला व्म के साथ वो भी निकली थी फ़रमाती हैं रसोल्ला सल्ला वसलम इस गज़े से फ़ारो हो गए वापसी का इरादा फ़रमाया आपने रात में कूच करने का हुक्म दिया कूच की तैयारियाँ चल रही थी मैं उठकर रफ़ हाजत के लिए गई कदा हाजत के लिए और जब पलटने लगी, तो क़यामग़ाह के करीब मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले का हार टूट गया है मैं वापस जाकर उसकी मोती उसे तलाश करने लगी इसमें मुझे देर लग गई इधर वो लोग जो मुझे हवादिज़ में हुदज में सवार कर रहे थे यानी सवारी के ऊपर एक नशि बनाई होती है जिसमें जो पर्दे वाली होती है मैं उसमें सवार होती थी तो इन्होंने मेरा होदिज उठाया और उसे ऊँट के ऊपर रख दिया जिस पर मैं सवार होती थी उन्हें यह महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उसमें नहीं हूँ मैं हल्की फुल्की थी उनका ख़्याल था कि मैं भी स... बीच ही में हूँ और ये वाक़ हिजाब का पर्दा हुक्म नाजिल होने के बाद का है फिर उन्होंने ऊँट उठाया और रवाना हो गए मेरा हार इस वक्त मिला जब काफ़िला वहाँ से रवाना हो चुका था मैं वापस काफ़िले की जगह पर आई वहाँ कोई नहीं था और ठीक उसी जगह पर जहाँ पड़ाव था मैंने सोचा कि जब ये लोग आगे जाकर मुझे नहीं पाएंगे तो ढूंढने के लिए वापस आएंगे तो मैं वहीं ठहर गई सफ़वान बिन मुअतल लश्कर के पीछे पीछे आ रहे थे सुबह के वक्त वो इस जगह से गुज़रे जहाँ मैं थी इन्होंने एक इंसानी ह्यूला देखा मैं सोई हुई थी मेरी आँख लग गई वो देखते ही पहचान गए क्योंकि पर्दे के हुक्म से पहले वो मुझे कई बार देख चुके थे इस वक्त मैं नींद के गलबी की वजह से सो गई थी मुझे पहचान कर उन्होंने एक लफ्ज़ कहा इन्ना लाही व अननाजू ये पढ़ी इस आवाज़ से मेरी आँख खुल गई और मैं फ़ौरन अपने चेहरे पर चादर डाल ली अल्लाह की कसम हम दोनों ने एक दूसरे से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा ना व अनना राजू के अलावा मैंने इनके मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं सुना इन्होंने अपना ऊँट ला कर मेरे पास बिठाया मैं ऊँट पर सवार हो गई नकील पकड़ कर रवाना हो गए दोपहर के वक़्त हम हमने लश्कर को पा लिया अभी एक जगह जाकर ठहरा ही था इस पर बहुतान लगाने वालों ने बहतान लगा कर अपनी हलाकत का सामान किया कि मैं अकेले मर्द के साथ सवारी पर सवार हो के आई हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ एक बहतान बांधा गया इसमें सबसे पेश पेश अब्दुल्ला अबिनबै मुनाफिक था आतायशा फरमाती है मदीना पहुँच कर मैं तकरीबन एक माह बीमार रही शहर में इस बोतान की खबर उड़ रही थी मुझे पता नहीं था एक महीना अलबत मुझे ये जो चीज़ खटकती थी कि रसूल सल्ला वसल्लम की तवज्जो मेरी तरफ इस मरतबा वैसी नहीं जैसी मेरी बीमारी के ज़माने में आम तौर पर हुआ करती है आप घर में तशरीफ़ लाते बस सलाम करते इतना पूछते कैसी हो मेरी कमज़ोरी बढ़ गई थी एक रात उम मिस्ताह के साथ मैं कदाए हाजत के लिए शहर से बहर गई इस वक्त हमारे घरों में बैतुलखला नहीं थे वापसी में उम मिस्ताह का पैर चादर में उलझ गया जिससे उन्हें ठोकर लगी और बेसाख्ता उसकी ज़बान से निकला गारा तो मिस्ताह मिस्ताह उम मिस्ताह का बेटा था मैंने कहा अच्छी माँ हो बेटे को कोस्ती हो और बेटा भी वो जो गज्बा बदर में शरीक हुआ है तुम उसको कोस रही हो उन्होंने कहा बेटी क्या तुझे इसकी बातों की कुछ ख़बर नहीं आताशा फ़रमाती है मैंने उससे कहा मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता उसने सारा वाक़ सुनाया और ये अफतरा परदास, और ये बहतान, मेरे मुतिक क्या क्या बातें उड़ाई जा रही हैं पूरा वाक़ सुनाया ये सुनकर मेरी बीमारी में और इजाफा हो गया मैंने पूरी रात रो रो कर काटी न आंसू थमने का नाम लेते ना नींद आती रसूल सल्लम ने इस मामले में अपने बादसाबा से मश्रा किया बाद लोगों ने कहा के रसूल आपके घर वालों में हमने सिवाए भलाई के और कुछ नहीं देखा बाद लोगों ने कहा यार रसूल्ला अल्लाह ने आप पर तंगी नहीं रखी है औरतों की कमी नहीं है तहकीक करना चाहे तो ख़िदमत गुजार लोंडी बररा को बुला कर दरियाफ्त फरमा लें रसूल्ला वल् ने बररा जो ख़ादमा घर की बुलाकर इनसे पूछा तुमने आयशा की जानब से कुछ ऐसी चीज़ देखी है जिससे कुछ शुभ हो उसने जवाब दिया इनके बारे में सिवाए ख़ैर के मैं और कुछ नहीं जानती रसोल्ला सल्ला व्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए ख़ुतबा दिया जिसमें फ़रमाए मुसलमान मुसलमानों कौन है जो शख्स के हमलों से मेरी इज़्ज़त बचाए जिसने मेरे घर वालों पर इल्ज़ाम लगा कर मुझे अजीय पहुँचाई और अजियत पहुँचाने में हद कर दी अल्लाह की कसम मैंने अपने घर वालों में कोई बुराई नहीं देखी और जिस शख्स के बारे में वो तहमत लगा रहे हैं उसमें भी मैंने कोई बुराई नहीं देखी इस पर साद इबिलिमा उठ कर कहने लगे अल्लाह के रसूल इस शख्स के हमलों से मैं आपको बचाऊँगा अगर वह हमारे कबीले औस का है तो हम इसकी गर्दन मार देंगे और अगर वह हमारा भाई खजरजियों में से है आखकुम दें हम तामील के लिए हाजिर इस पर मस्जिद में आवाज़ बुलंद हो गई करीब था कि लोग आपस में उलझ पड़े आप सलात वसलाम ने खामोश किया आखिर एक दिन रसोल्ला सल्ला वसल् तशरीफ़ लाए ऐत फरमा थी मेरे घर मैं अब अम्मा, अम्मा के घर चली गई थी रसूल सल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए इस वक्त मेरे बाप और मेरे वालिद मेरी वालदा मेरे पास मौजूद थे मेरे मुसलसल रोने से मेरे वालदेन इंतहाई परेशान थे इन्हें लग रहा था कि रोने से मेरा कलेजा फट जाएगा जब से ये अफवाह फैली थी आप कभी मेरे पास न बैठे थे तकरीबन एक महीना होने को था लेकिन मेरे सिलसिले में आप पर कोई वही भी नहीं आई थी अतीयशा फरमाती हैं अब आकर बैठ गए कल मैं शहादत पड़ा फिर फरमायाशा मुझे तुम्हारे बारे में ख़बर मिली है अगर तुम बेगुनाह हो तो मुझे उम्मीद है अल्लाह तुम्हारी बारात का ऐलान फरमा देंगे और अगर वाकई तुमसे कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह से तोबा इस्तवार कर लोताशा फ़रमाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मेरे आंसू खुश हो गए गम की वजह से अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कोई गलती हो गई तुम तबा इस कर लो तो मेरे आंसू खुश्क हो गए आँखों से एक कतरा भी न टपका मैंने अपनी वालदा से कहा आप मेरी तरफ़ से रसोल्ला सल्ला वसम की बात का जवाब दें इन्होंने फरमाया मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ मैंने अपनी वालदा से कहा आप ही कुछ कहें उन्होंने भी यही कहा मैं हैरान हूँ मैं क्या कहूँ इस पर मैंने कहा आप लोगों के कानों में एक बात पड़ गई है और दिलों में बैठ गई है अब अगर मैं कहूँगी कि मैं बेगुनाह हूँ और अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह हूँ तो आप लोग ना मानेंगे और अगर ख़वा मखा एक ऐसी बात का इतराफ़ कर लूँ जो मैं नहीं की और अल्लाह जानता है कि मैं नहीं की तो आप लोग मान लेंगे इस हालत में मेरे लिए इसके सिवा और कुछ नहीं है कि मैं वही ही कहूँ जो यूसुफ़लात वसलम के वालिद ने कही थी फ़सर जमील वल्लाहु अल-मुस्तान अला मा मातोसिफून मैं इस पर बखूबी सब्र करूँगा और जो कुछ कह रहे हो इस पर अल्लाह से मदद चाहूँगा ये कहकर मैं लेट गई दूसरी तरफ़ मैंने करवट ले ली हत्याशा फरमाती है, फर है अल्लाह की कसम रसूल सल्ला वम अभी इसी मजलिस में थे घर वालों ने से कोई भी अभी वहाँ से नहीं उठा था अल्लाह ने अपने नबी पर वही नाजिल फरमाई और यक आप पर वो कैफियत तारी हो गई जो वही के वक़्त हुआ करती थी हती कि सख्त सर्दी का मौसम है लेकिन आपके चेहरे पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह टपक रहे जब वो कैफ़ियत दूर हुई तो वसलाम बहुत खुश थे आप ने हंसते हुए जो पहली बात इरशाद फरमाई कि मुबारक हो ऐशा अल्लाह ने तुम्हारी बरात नाजिल फ़रमा दी मेरी वालदा ने कहा इनकी तरफ़ उठ कर जाओ इनका शुक्रिया अदा करो मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं न उठ कर इनके पास जाऊँगी न अल्लाह के अलावा किसी और का शिक्र अदा करूँगी उसी ने मेरी बारात नाजिल की है हदायशा फ़रमाती इस मौके पर आयत नाजिल हुई इन लल्लदी न जाऊबिल्फ़ के उस्वतमिन ल तबुशरकुम बलुखैरकम लक्रकता तब्ल किमिन उम लह अजाबनआदीम जो ये लोग बोतान घड़ लाए हैं वो तुम्हारी अंदर का एक टोला है इस वाक़े को अपने हक़ में शर न समझो बल्कि ये भी तुम्हारी खैर है बड़ी सी बड़ी आजमाइश और बड़ी सी बड़ी जहमत और मुसीबत अल्लाह उसके अंदर से बहुत बड़ी रहमत का पहलू निकाल दिया करते हैं जिसने इसमें जितना हिस्सा लिया उसने इतना ही गुना समेटा और जिस शख्स ने इसकी ज़िम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया तर... तर... इसके तर... तर... लिए तो अज़ अजीम मुनाफिक मुखलस मुसलमान भी इसमें मुतासर थे शामिल थे लेकिन इसका सरदार और इस साजिश का असल सरगना वो मुनाफिक था उसके लिए दर्दनाक अजाब है हत्याशा फ़रमाती है मेरे वालिद मिस्ताह पर इसराबदारी और इसकी फ़खर की वजह से इस पर खर्च किया करते थे वो बकर रही अल्लाह तुम इस वाक़े के बाद इन्होंने अल्लाह की कसम खाई कि अब मैं इस पर कुछ खर्च नहीं करूँगा इस पर कुरान की आयत आई

और अल्लाह की सिफ़त है वफ़ूर रहीम है हदबो बकरी अल्लाह तुमने यह आयत सुनकर फ़रमाया क्यों नहीं अल्लाह की कसम मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी मुफ्त फरमाए चुनाचे वो मस्ता पर इसी तरह खर्च करने लगे जैसे पहले खर्च किया करते थे फिर हजूर आलतम तो बाहर निकल कर लोगों के दरम्या ख़ुतबा दिया और उन्हें कुरान की वायात सुनाई जो इस मौके पर नाजिल हुई फिर मस्ता बिन असाथा ये मुसलमान थे हस्तान बिन सबित ये भी मुसलमान थे हमना बिन तेजाज ये भी मुसलमान थे इन्हें हद कज़ के कोड़े लगाए गए मुखलिस लोग थे अल्लाह ने इनकी माफ़ करवा दी ये वो लोग थे जिनसे ये ख़ता हो गई थी और मुनाफी की सज़ा कुरान ने बताई कि लहू उन अदाबीन उसके लिए बड़ा सख्त अजब है तो ये एक गजबा है और इसके अंदर बहुत सारे हमारे इसके अंदर हमारे लिए रहनुमाई और हदायात है इन श्ला उसका तस्करा आएगा سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك